बैटरग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर जैसे यहाँ पर आप फेसबुक लॉगिन पर क्लिक आउट करते हैं, आप अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करने की ट्राई करते हैं तो गाइस आपके सामने सेम प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेटवर्क एरर, लॉगिन फेल, प्लीज चेक यूर नेटवर्क सेटिंग्स। तो इस वीडियो में गाइस आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर आप आफ्टर 2.7 के अपडेट के बाद में कैसे यहाँ पर आप फेसबुक लॉगिन को कैसे सोल्व करेंगे बैटरग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% यार वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। सिंपली वीडियो को देखो, आपको लास्ट तक वाच जरूर कर लेना है। यदि गाइस आप भी यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, चैनल को देखो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर आपको सेट जरूर कर लेना है। सो बैटरग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की इस प्रॉब्लम के यहाँ पर आपको सोल्यूशन करने के लिए सिंपली गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर चले जाना है एंड उसके बाद में सिंपल सी यहाँ पर आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको सर्च बार के ऑप्शन पर क्लिक आउट करना है, DNS को यहाँ पर आपको सर्च करना है, प्राइवेट DNS के ऑप्शन पर क्लिक आउट करना है, यहाँ पर आपको इसको ऑफ गाइस कर देना है। बैटरग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की गाइस ये ट्रिक है। तो सिंपली गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे गाइस आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक आउट करना है, ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक आउट करना है, सर्च बार के ऑप्शन पर क्लिक आउट करना है, देन यहाँ पर आपको बैटरग्राउंड्स यहाँ पर आपको सर्च करना है जो कि देख लो गाइस यहाँ पर आ चुका है। सो जैसे यहाँ पर आप बैटरग्राउंड्स यहाँ पर सर्च करेंगे या बीच में ही यहाँ पर सर्च करेंगे तो गाइस आपके सामने ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टोरेज यूजेज पर क्लिक आउट करना है, कीले कैच यहाँ से आपको कर देना है, देन बैक के ऑप्शन पर क्लिक आउट करना है, डाटा यूज पर क्लिक आउट करना है, यहाँ पर आपको डिसेबल मोबाइल डाटा, डिसेबल वाईफाई को आपको डिसेबल कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने डिसेबल किया हुआ है, सेम को यहाँ पर आपको यूज़ कर लेना है। उसके बाद में सिंपल से यहाँ पर आपको क्या करना है, सारी एप्लीकेशन को यहाँ से आपको क्लोज कर देना है एंड गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने एयरप्लेन मोड को लगाना है एंड उसके बाद में एयरप्लेन मोड को हटा देना है। देन लास्ट में गाइस यहाँ पर आपको बैटरग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को ओपन कर लेना है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बैटरग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को मैंने ओपन कर लिया है। आपके सामने गाइस मैं अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करके दिखाऊंगा, देख लो गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देन वन टैप में गाइस मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। सो देख लो गाइस, यही ट्रिक को फॉलो कर लेना है। इसी ट्रिक को यदि आप स्टेप टू स्टेप यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, आप अपने बैटरग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके, तो यार आपकी यहाँ पर ये प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने इंटरनेट को गाइस यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, जिस इंटरनेट से गाइस यहाँ पर आप लॉगिन करना चाहते हैं, नहीं तो गाइस आपके सेम प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख लो मेरा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है एंड उसके बाद में जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सोल्व गाइस यहाँ पर हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।